तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐसतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रार्थना पूर्वक योग का पुरुषार्थ प्रारंभ करते हैं। सब मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, योगश चित्तवृत्ति निरोधः, योगः समाधिः, समत्वं योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम्, योगो भवति दुःखहाः, योगो हि प्रभवाप्ययौ। योग क्या है, यह हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में जो कहा है उसका सार रूप मैंने अभी अभिव्यक्त किया है। देर आर अनलिमिटेड एस्पेक्ट्स ऑफ योगा। योग इज ए वे ऑफ सेल्फ हीलिंग, टू सेल्फ रियलाइजेशन और कलेक्टिव रियलाइजेशन। योग इज ए वे ऑफ लाइफ, योग इज ए कंप्लीट साइंस, योग इज ए कंप्लीट मेडिकल साइंस। एंड योग फॉर बॉडी, योग फॉर माइंड, योग फॉर बियॉन्ड बॉडी। योग एक बहुत बड़ा उपहार, एक बहुत बड़ा वरदान, एक बहुत बड़ा विज्ञान, एक बहुत बड़ी विद्या, अपरा विद्या, परा विद्या, एक ब्रह्म विद्या। योग एक बहुत बड़ी सौगात है हमारे पूर्वजों की। आइए उसका अभ्यास प्रारंभ करते हैं प्राणायाम से। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अंगानि। यम अहिंसा सत्यस्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा नियम शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वप्रणिधानानि नियम। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग है। इसी को राजयोग कहते हैं। इसी में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग। योग अर्थात जीवन का सारा समाधान,
complete solution of all problems, all crisis. आइए इस योग को प्रारंभ करते हैं प्राणायाम के द्वारा। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे, डीप ब्रीदिंग। सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति, तीन तरह से ये डीप ब्रीदिंग की जा सकती है। देखो अभी यहाँ हमारे डॉक्टर सतबीर खालसा जी बोल रहे थे, लंबा श्वास लेना छोड़ना, सामान्य गति मध्यम गति से, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, हर्निया, बैकएक और एनी टाइप ऑफ वीकनेस, सो डोंट डू फोर्सफुली एनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और एनी योगिक प्रैक्टिसेस, डू स्लोली एंड रिदमिकली, धीरे धीरे करना। इफ यू आर कंप्लीटली हेल्दी और एनर्जेटिक यंग, सो यू कैन डू फोर्सफुली लाइक दिस, I am doing 500 times forcefully this breathing exercise. जब मैं 500 times ऐसा करता हूं तो मेरे पूरे शरीर से पसीना निचोड़ने लगता है। Different physical workouts करने के लिए आपको लोग suggest करते हैं, यह सबसे अच्छा physical workout है deep breathing। डॉक्टर सरलेट एलिस एक दिन मुझे रिसर्च सेंटर में बैठा करके कि बोले आजकल कैलोरी का बड़ा चक्र चलता है, कितनी कैलोरी हमने इंटेक किया और कितनी कैलोरी हमने बर्न किया, पर मिनट 7,000 to 10,000 किलो कैलोरी आप बर्न कर सकते हैं थ्रू भस्त्रिका ब्रीदिंग। क्या बोला मैंने, डीप ब्रीदिंग से पर मिनट 7,000 to 10,000 किलो कैलोरी आप बर्न कर सकते हैं एक मिनट में। मैं 50,000 किलो कैलोरी बर्न कर लेता हूं 5 मिनट के अंदर इस तरह से। और मेरी ब्रीदिंग स्पीड होती है एक मिनट में विद इन मिनट 200 times। कितना बोला मैंने, एक मिनट में 200 बार, 200 times। इससे ज्यादा और एनर्जी किससे मिलेगी? देखो योग से बॉडी शेप में भी आती है, आपको अच्छी बॉडी की शेप चाहिए, अच्छे मसल्स चाहिए, तो ये जो मसल्स हैं मेरे ये जिम वाले मसल नहीं है, ये योग वाले मसल है। आपको अच्छे मसल्स भी चाहिए, उभरा हुआ सीना चाहिए, सिकुड़ा हुआ पेट चाहिए, कमरी कमर जो है बहुत पतली सी चाहिए, चेहरे पर भाल पर ललाट चाहिए, प्रज्ञावान मस्तिष्क चाहिए, श्रद्धावान हृदय चाहिए, कर्मशील और पुरुषार्थी जीवन चाहिए, जीवन में सारी शुभ उपलब्धियां चाहिए, तो योग ही एकमात्र माध्यम। तो योग खाली ये साधु संतों का काम नहीं है, साधु तो हम हैं ही, लेकिन कैसे साधु, योगी साधु। क्या बोलो, क्या बोला मैंने, जोर से बोलो, कर्मयोगी, बोलो क्या बोला, उपयोगी, जोर से बोलो क्या बोला, अच्छे कामों में सहयोगी, क्या बोला, सहयोगी। ये हमारे अमृत सूर्यानंद जी भी ऐसे ही कर्मयोगी हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए हमारे इनका भी। ये योगी साधु हैं,
कर्मयोगी साधु हैं, इस पूरे एग्जिस्टेंस के लिए, पूरे विश्व के लिए ये उपयोगी साधु हैं। ऐसा होना चाहिए साधु को। अभी हमारे डॉक्टर लॉरेंजो वो एंटी कैंसर लिविंग के बारे में बात कर रहे थे। व्हाट इज द एंटी कैंसर लिविंग? कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। इफ योर ऑक्सीजन लेवल हाई इन योर बॉडी सेल, इन योर बॉडी, इन योर लंग, इन योर ब्रेन, आपका ऑक्सीजन लेवल हाई है तो कैंसर से लेकर के कोई डिजीज आपको नहीं हो सकती। ये कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। एक चीज, नॉन कम्युनिकेटिव डिजीज के लिए करो भस्त्रिका प्राणायाम। कुछ लोग बोलते हैं फूंक मारने से क्या होगा, मैंने कहा फूंक मारने से सारे रोग भस्म हो जाएंगे। फूंक मारने से, एक फूंक फूको, सब फूको, किसको? सांस को फूको, रोगों को फूको, रावण को फूको। अब सेकंड कपाल भाती, कपाल भाती से मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक देह देवालय बन जाता है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम जो अयोध्या में पैदा हुए, एक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो मथुरा में पैदा हुए, एक कैलाशपति शिव एक बाहर के देवी देवता, एक बाहर का ये पूरा अस्तित्व, और वो सब अपने भीतर है। तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही शिव हो। तत्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। तुम ही गौतम कणाद जैमिनी पाणिनी पतंजलि विवेकानंद दयानंद हो, तुम ही नानक हो। कपाल भाती लय के साथ करो, सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति। गति का चयन, द सिलेक्शन ऑफ फोर्स एंड स्पीड, या अपनी शक्ति के अनुसार यथा शक्ति। सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति। कपाल भाति करो। ये राम राज्य की जो बात होती है ये कोई मजहबी उन्माद नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने जो रामचरितमानस में राम राज्य कहा है वो क्या है? वो कोई मजहबी उन्माद नहीं है, वो तो जीवन की और जगत की श्रेष्ठता है। आओ आपको रामचरितमानस की पवित्र चौपाइयां कि राम राज्य कैसा होता है ये जरा आप भी सुन लो। ये किसी राजा से नहीं आने वाला, ये शासन से नहीं आने वाला, ये राजनीति से नहीं आने वाला, ये हमारे आचरण से आने वाला है राम राज। कपाल भाती करते रहो तो तुम्हारे भीतर से शुरू होगा राम राज। तुम ही राम हो, तुम ही बुद्ध हो, तुम ही महावीर हो, तुम ही नानक हो, तुम ही गुरु गोविंद हो। कपाल भाती करो, रामनाथ जहां राजा सो, अवध सब ओ मंगल भवन अमंगल आरे, सुख दस
दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सो दशरथ अजर बिहारी। गूंजत मधुकर मुखर मनोहर, गूंजत मधुकर मुखर मनोहर। मरुत त्रिविद सदा बह सुंदर, नाना खग बल कहीं जियाए। बोलत मधुर उड़ात सुहाग, पुर शोभा कछु बरनी न जाए। बाहिर नगर परम राम राज्य में प्रकृति कैसी थी, पर्यावरण कैसा था, लोगों का जीवन कैसा था, लोगों का आचरण कैसा था, लोगों के जीवन का आदर्श कैसा था, ये सब हमारे जीवन की मन का श्रेष्ठता दिव्यता, हमारे जीवन के श्रेष्ठ आचरण से राम राज्य आएगा। और वही मैं नहीं कह रहा, यही वाल्मीकि जी ने कहा, यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, यही हमारा अतीत है, यही हमारा वर्तमान और इसी में हमारा भविष्य है। करो कपाल भाति, लय के साथ एक अनुष्ठान की तरह भीतर से राम प्रकट हो गए। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हम स्वयं राम है। मैं ही रामदेव नहीं, तुम सभी राम के ही प्रतिरूप हो। देखत पूरी अखिल अघ भागा, बन उपवन बापिका तलागा। कहु कहु सरिता तीर उदासी, बसही जान रथ मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी के सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि लगाई। ओ दैहिक दैविक राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति। सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। परस्पर प्रीति ही ये राम है, इसलिए हमको कोई शांति सद्भावनाओं के उपदेशों की आवश्यकता नहीं। शांति और सद्भावना तो हमारा स्वभाव है, दिस इज द बेसिक नेचर एंड कल्चर ऑफ हिंदुज्म, ऑफ सनातन धर्म। सब नर करें परस्पर प्रीति, चले ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। संसुदेन गमे महिमा श्रुतेन विराजेश, यह है राम राज्य। कपाल भाति करो, रुकना नहीं है, ये तो चलता रहेगा अनुष्ठान। सब नर करही परस्पर प्रीति, चले ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अल्प आयु नहीं कब निउ पीड़ा, सब सुंदर सब विरुज सरी। किसी की अल्पायु नहीं होती थी राम राज्य में, सब दीर्घायु होते थे, सब स्वस्थ होते थे, सब सुंदर होते थे, तन से भी मन से भी, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण से भी। हमारे स्ट्रक्चर हमारे करेक्टर दोनों बड़े सुंदर होते थे, यह है राम राज्य। ओ राम राज नभ केस सुनो, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू जानी। सब उदार सब पर उपकारी, सब उदार सब पर उपकारी। विप्र चरण सेवक नर नारी,
एक नारी व्रत रत सब झारी ते मन वचन क्रम पति हितकारी सबके गृह हो वही पुराना रामचरित पावन विधिना दंड जतिन है कर भेद जहां नर्तक नित्य समान जीता हूं मन ही सुनियस रामचंद्र के पर प्रीति बढ़ाई सब ही शान कूल सब भाई राम चरण रति यति अधिकाय प्रभु मुख कोमल बिलोकत रही प्रभु कृपाल हमई कुछ कर ओ राम करई घातन पर मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहु विधि सब संता राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम होई है सोई जो राम रचि राखा को करि तर्क बथावहि साखा कृष्ण चंद्र की जय हनुमान जी महाराज की जय सब महापुरुषों की जय हर हर महादेव तुम ही महादेव हो तुम ही शिव हो तुम ही राम हो तुम ही हनुमान हो तुम ही बुद्ध हो तुम ही नानक हो तुम ही ईसा मसीह हो तुम्हारे भीतर ही अल्लाह है खुदा है गॉड है भगवान है नर में ही नारायण है योग की यात्रा है नर से नारायण होने की क्या है बोलो नर से नारायण होने की जीव से ब्रह्म होने की बोलो जीव से ब्रह्म होने की अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म शिवोऽहम्।